मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनाव के चलते टीकमगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह का टिकट फाइनल होते ही कांग्रेस समर्थकों में और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। टिकट फाइनल होते ही यादवेंद्र सिंह बुंदेला टीकमगढ़ शहर के नजर राम राजा मंदिर एवं दरगाह पहुंचकर उनके द्वारा प्रार्थना की गई। इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में कांग्रेस समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यादवेंद्र सिंह को टिकट मिलने से कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। दादा, आज आपका टिकट फाइनल हुआ है, लोगों में हर्ष का विषय है, पूरा जिला आपके साथ है, किन मुद्दों को लेके आप लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, तो दशा डाइवर्सन का पानी मिलना चाहिए, तो करवा तो कभी बनना चाहिए, और दूसरा जिले में उद्योग लगना चाहिए। दो महत्वपूर्ण बातें हैं, बाकी इस जिले में कॉलेज की सुविधा हो, चाहे लॉ कॉलेज की सुविधा हो, चाहे गर्ल्स कॉलेज की सुविधा हो, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो, पहले ही जो है कांग्रेस के शासन में सब कुछ हो चुका है। एक उद्योग की कमी है, पहले ये बहाना लिया जाता था कि रेल नहीं है, रेल आ गई तो अब उद्योग आना जरूरी है। उद्योग अगर आ जाएगा तो यहाँ के बेरोजगारों को काम मिलेगा, और दशन डाइवर्सन का पानी अगर मिल जाएगा हमें ककरवा कबीर के माध्यम से, तो 40,000 हेक्टेयर जमीन जो है सिंचित होगी। ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और वो दोनों बातें जो है टीकमगढ़ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। हमारा प्रयास, भाजपा लोगों में पैसे बांटकर अपना काम करा रही है, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का गिविन टेक वाला मामला है कि वो चुनाव में जो है उनके जो उम्मीदवार आते हैं वो पैसा टका खर्च करके जीत जाते हैं, और पाँच साल के बाद वो उन्हें चलता कर देते हैं। आप पिछले 82 में हम उपचुनाव लड़े थे, 82 से लगातार आप देख लें, पहले चुनाव में मंगलाल गोयल जी, दूसरे चुनाव में जो है बेबी राजा लड़े, तीसरे चुनाव में फिर गोयल जी लड़े, फिर अखंड प्रताप सिंह लड़े, फिर राकेश वो उमा भारती लड़ी, फिर के श्रीवास्तव लड़े, फिर जो है राकेश गिरी लड़े। ये हर 5 साल में उम्मीदवार बदल देते हैं, जैसे कोई जगह उधारी ले लेता है ना आदमी, तो अपनी सिम बदलता रहता है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है कि वो जो है अपने पुराने आदमी को उखाड़ के फेंक देते हैं और नया चेहरा ले आते हैं, नया चेहरा। हमारी पार्टी ने पिछले जो चुनाव हमने गिनाए हैं तब से जो है हमारे ऊपर भरोसा किया है, हमारे परिवार के ऊपर। अगर हमारे ऊपर कोई आरोप होता भ्रष्टाचार का आरोप होता, चोरी का आरोप होता, जमीन क्रय खरीदी का आरोप होता, या किसी को तंग करने का आरोप होता, या संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप होता, तो द्वारा हमारी पार्टी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करती। लेकिन हमारी पार्टी हमारे ऊपर विश्वास कर रही है, उनकी पार्टी 5 साल में बदल देती है, तो केवल वो उनका उपयोग करना जानती है, उसके बाद में जो घी में कीड़ा होता है उसकी तरफ फेंक देती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।